Hello. So, dear students, now we will start with the new course that is probability. Probability is very, very important for the preparation of JEE. Okay, especially in advance. Advance में आप कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के ऊपर चेकआउट करते हैं, देखते हैं उसमें, ठीक है। मेंस में भी 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसमें 11th और 12th दोनों को कंबाइंड करके प्रोबेबिलिटी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए आपको वो तो पहले मैं बता देता हूँ। नंबर 1, सेट थ्योरी का आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपको पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए, और चौथा स्टैटिस्टिक्स। इतने टॉपिक्स का आपको पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। क्या है? सेट थ्योरी, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जैसे कि आपने मेरा सेट थ्योरी का कोर्स देख ही लिया होगा, स्टैटिस्टिक्स का कोर्स देख ही लिया होगा आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी कोर्स आपने देख लिया और अपना किया होगा, बाइनोमियल थ्योरम भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अच्छा साहब, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में प्रोबेबिलिटी क्या है और एक्सपेरिमेंट्स और सैम्पल स्पेस तक ही हम बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ सैम्पल स्पेस तक ही बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इवेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़? तो प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर इवेंट्स के ऑकरेंस यानी ऑकरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है कि नहीं। सो दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी मेजर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। हियर वी मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो किसी इवेंट्स के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस कोई मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी में। सो द प्रोबेबिलिटी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ एनी इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर व्हिच इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं? देखिए, एक्सपेरिमेंट 2 प्रकार के होते हैं, आप सबने सुना होगा। एक्सपेरिमेंट्स आर 2 टाइप्स, एक्सपेरिमेंट विथ सर्टेन, मतलब वेयर द आउटकम्स आर सर्टेन, विथ सर्टेन आउटकम्स। अब सर्टेन आउटकम्स मतलब इस एक्सपेरिमेंट के एडवांस में आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या होगा, आउटकम्स क्या होगा, ये आपको मालूम होता है। जैसे आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं 11th क्लास में, टाइट्रेशन करते हैं, या फिजिक्स में कोई ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करते जाते हैं और आपको पहले से ही मालूम होता है कि ये रिजल्ट आने वाला है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वो सर्टेन इन नेचर कहलाते हैं, जिसमें आपके आउटकम्स क्या आने वाला है वो पहले से ही एडवांस में मालूम है। वेयर आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, ठीक है।
हमको ऐसे एक्सपेरिमेंट की यहाँ जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी में ऐसे एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट विद अनसर्टेन आउटकम, इनडेफिनेट इनडेफिनाइट आउटकम्स, यानी एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है कि आउटकम्स क्या आएगा, आउटकम्स क्या पॉसिबल हो सकता है वो तो मुझे मालूम रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आने वाला है वो मुझे मालूम नहीं रहेगा। यहाँ क्या हो गया, आउटकम्स पहले से ही मालूम हो जाते हैं, डेफिनेट आउटकम्स होते हैं, यहाँ होते हैं डेफिनेट आउटकम्स, और इधर एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें इनडेफिनेट आउटकम्स हो सकते हैं। आउटकम्स इन एडवांस हमको मालूम तो रहते हैं, बट वी आर नॉट श्योर ऑफ पर्टिकुलर एडवांस। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट्स की हम यहाँ बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दी रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो द रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं, दोज एक्सपेरिमेंट्स आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट वेयर नंबर वन पॉइंट आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। एडवांस में ही आपको आउटकम्स मालूम है, बट वी आर नॉट श्योर ऑफ पर्टिकुलर आउटकम्स ऑकरेंस, किसी पर्टिकुलर आउटकम्स को ऑकरेंस को हम श्योर नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, अब आप कॉइन को टॉस करिए, तो टॉसिंग अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है वो आपको एडवांस में मालूम है, वो आउटकम्स या तो हेड होगा या तो टेल होगा, लेकिन आप कॉइन को टॉस करिए और बोलिए कि हेड ही आएगा, तो आप इसके बारे में श्योर नहीं है। ये जरूर है कि या तो हेड आएगा लेकिन टेल आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट यू आर नॉट एट ऑल श्योर वेदर बाय टॉसिंग द कॉइन एवरी टाइम्स यू विल गेट द हेड या एवरी टाइम्स यू विल गेट द टेल, तो ये आप श्योर नहीं है। तो इसके लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाई, अगर डाई को आप थ्रो करते हैं तो भी यहाँ पे आपको एडवांस में आउटकम्स तो मालूम है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे आउटकम्स होंगे, लेकिन कौन सा आउटकम्स आएगा इसके बारे में आप श्योर नहीं होते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, आप कार्ड्स का भी ले लीजिए, ड्राइंग अ कार्ड, तीसरा ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो जो कार्ड्स की बंडल होती है वहां से अगर हम एक कार्ड निकालते हैं, आपको मालूम है कार्ड कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक क्वीन एंड किंग, इतने कार्ड्स होते हैं एंड दे आर ऑफ 4 डिफरेंट सूट्स, राइट। तो लेकिन कौन से पर्टिकुलर कलर का कार्ड होगा या कौन सा पर्टिकुलर कार्ड होगा इसके बारे में आप श्योर नहीं होते, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, करेक्ट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट में एडवांस में ही आपको आउटकम्स मालूम होते हैं लेकिन पर्टिकुलर आउटकम्स के बारे में आप श्योर नहीं होते। और जो हम लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनमें आउटकम्स क्या आने वाला है, वही आउटकम्स आएगा, दूसरा आउटकम्स नहीं आने वाला है, अगर आपने सारे प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो किया है, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन इसका पॉइंट, सैंपल स्पेस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या बहुत बिगिनिंग वाला पॉइंट है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, ये एक सेट होता है, तो देखिए सेट्स का कोरिलेशन आ गया इसमें प्रोबेबिलिटी में। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सो इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स
और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट में एडवांस में हमको सारे आउटकम्स मालूम हो जाते हैं, वो सारे आउटकम्स को एक सेट में ला देना है, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा सैंपल स्पेस, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल हेड एंड टेल, दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन वी टॉस अ कॉइन। एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं, ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस ये होगा, करेक्ट है। अच्छा, अगर आपने थ्रोइंग अ डाई, अगर डाई को थ्रो किया तो उसका सैंपल स्पेस ये होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब आगे के सैंपल स्पेस डिस्कस करने के पहले मैं इम्पोर्टेंट वैरायटीज बताना चाहता हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा सैंपल स्पेस का, स्पेशली हमारे आईआईटी जेई के प्रॉब्लम्स के लिए। तो सैंपल स्पेस दो प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के सैंपल स्पेस हो गए, दो प्रकार के, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस, एक तो होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, और दूसरा होता है काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, और एक होता है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस वो होता है जिसमें फाइनाइट आउटकम होते हैं, फाइनाइट आउटकम्स। तो जैसे अभी अभी मैंने बोला था दो आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स है, तो जिन सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स है या एलिमेंट्स है, तो सैंपल स्पेस में जो ये आउटकम्स है ना, वो सेट के थ्योरी में एलिमेंट्स कहलाएंगे। सेट की थ्योरी में एलिमेंट्स सैंपल स्पेस के, और प्रोबेबिलिटी के टर्मिनोलॉजी में इवेंट्स कहलाएंगे। तो इवेंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान क्या देना है, वो देखना है कि सेट थ्योरी की टर्मिनोलॉजी और प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी, ये दोनों साथ साथ चलेंगे और आपको उसमें डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। तो देखो, ये सिंपली सेट है, सेट में ये एलिमेंट्स है एच और टी, क्लियर है। ये सेट थ्योरी हो गई, आपने अभी अभी पढ़ा है। तो ये सेट एस है, इसमें एलिमेंट्स एस है, एच एंड टी है, प्रोबेबिलिटी में आएंगे, प्रोबेबिलिटी में आएंगे, तो ये सैंपल स्पेस है। और ये जो आउटकम्स है ना, इसको हम इवेंट्स बोलेंगे। आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे, इवेंट्स, ठीक है। अब ये इवेंट्स कैसे होंगे वो डिस्कस करेंगे, पहले हम सैंपल स्पेस में ही बात कर लेते। तो सैंपल स्पेस दो प्रकार के हो गए, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस और काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस में फाइनाइट आउटकम्स होते हैं, और काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कैसा होता है वो देखते हैं। इसमें इनफाइनाइट आउटकम्स होंगे, लेकिन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, शूटिंग अ टाइगर अंटिल देयर इज अ हिट। अब हम क्या कर रहे हैं, बंदूक ले जाकर टाइगर को शूट कर रहे हैं। अब टाइगर को शूट कर रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, अब पहली गोली चलाओगे तो जरूरी नहीं है कि टाइगर को हिट करेगा, हिट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। तो अगर पहली गोली चलाने के बाद में हिट नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी गोली चलाएंगे, और दूसरी गोली चलाने के बावजूद भी हिट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तीसरी गोली चलाएंगे। आप तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि टाइगर को गोली ना लग जाए। तो इसका अगर सैंपल स्पेस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस ऐसा होगा, देखिए पहली गोली में हिट हो गया, या फिर पहली गोली में मिस हो गया और दूसरी गोली में हिट हो गया, M फॉर मिस, H फॉर हिट, या फिर पहली गोली भी मिस हो गई, दूसरी गोली भी मिस हो गई और तीसरे में हिट किया, एंड सो ऑन, वी विल कंटिन्यू अंटिल देयर इज अ हिट। तो अब ये जो सैंपल स्पेस है, देखिए अब ये सैंपल स्पेस के बारे में कहाँ पर हिट होगा इसके बारे में आप नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहलाता है। हिट, वी आर शूटिंग अ टाइगर अंटिल देयर इज अ हिट,
तो पहली गोली में हिट हो गया, या पहली गोली मिस हो सकती है, दूसरी बार हिट हो सकता है, या पहले दो ट्राई आपके मिस हो सकती है, तीसरे में हिट हो सकता है। तो ऐसी वे में ये सैंपल स्पेस चलेगा। तो ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस नहीं है। ज्यादातर टाइम पे आप 90% केसेस में आप डिस्क्रीट सैंपल स्पेस देखेंगे, लेकिन 10% केसेस भी ऐसे आएंगे जहां पे आपको काउंटेबली इन्फोनाइट सैंपल स्पेस को देखना पड़ेगा। करेक्ट है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हुआ कि इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस होता है। ठीक है साहब, इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस कैसा होता है वो भी देख लेते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस, इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस क्या होता है, जिसमें एवरी आउटकम्स हैज इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब जितने भी आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी आने की सेम है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है 1/2 होती है, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। या आप दूसरा सैंपल स्पेस ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सबको मालूम है इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1/6 है, 1/6, 1/6 और 1/6। तो ऐसे सैंपल स्पेस जिसमें जितने भी आउटकम्स है सब की प्रोबेबिलिटी सेम है, इनको हम इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब ऐसे भी सैंपल स्पेस हमको मिलने वाले। देखो 90% केसेस आपको इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस मिलेंगे, 10% केसेस में आपको ऐसे भी सैंपल स्पेस मिलेंगे जिसमें जो आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। तो जब प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती तो फिर उसको हम किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आ गया। दो टाइप की डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की, एक क्लासिकल अप्रोच होता है और एक एक्सियोमेटिक अप्रोच होता है। दो वर्ड्स मैंने दिया। क्लासिकल अप्रोच वही वर्क करता है जहां पे सैंपल स्पेस इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस होते हैं। डिफरेंस समझ में आया? तो 10th तक के प्रॉब्लम्स आप तो इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस में किए, 11th में भी और 12th में भी इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ऑलमोस्ट 80-85% प्रॉब्लम्स इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस में करेंगे। किंतु कुछ ऐसे भी सैंपल स्पेस रहेंगे जो इक्वी प्रोबेबल नहीं है, तो वो क्लासिकल डेफिनेशन से नहीं सॉल्व होंगे। क्लासिकल डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। इसको हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन है ना, ये फेल हो जाती है अगर सैंपल स्पेस काउंटेबली इनफाइनाइट। अभी जो बताया, देखिए जो टाइगर वाला प्रॉब्लम दिया था इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आप नहीं बता सकते अभी। जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं है तो टाइगर को शूट करने की प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ क्लासिकल अप्रोच जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है वो वहाँ वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए जो क्लासिकल डेफिनेशन में जो ड्रॉबैक्स है ना उसको हटाने के लिए हमको एक्सियोमेटिक अप्रोच में आना पड़ा। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच ने क्या किया है, क्लासिकल डेफिनेशन के जो जो अच्छी चीजें थी सबको वैसे ही रखा है, लेकिन जो ड्रॉबैक्स थे उसको हटाया। तो खाली अप्रोच बदलता है एक्सियोमेटिक अप्रोच में। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो सारी चीजें डिस्कस होगी। तो फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस। इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस वो सैंपल स्पेस होते हैं जिसमें जितने भी आउटकम्स होते हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो आउटकम्स है सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 आउटकम्स है सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6, ये इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस होते हैं। ठीक है, अब हम सैंपल स्पेस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जल्दी जल्दी। टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स। अब टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स का मतलब है टू कॉइन्स को एक साथ थ्रो करना, और थ्रोइंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ये दोनों सेम है। एक कॉइन को दो बार टॉस किया या दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, ये दोनों सेम है। अब इनका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो देखो इसमें हम ट्री डायग्राम बनाते हैं। ट्री डायग्राम कैसे होगा वो देख लो। ट्री डायग्राम देखो, पहले कॉइन को थ्रो करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब दूसरी बार थ्रो करोगे तो फिर ये एच के साथ में कॉम्बिनेशन बनाओ, एच एच और एच टी, ये टी के साथ में कॉम्बिनेशन बनाओ, टी एच एन टी टी। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
आप एक कॉइन को 10 बार थ्रो करिए, 25 बार थ्रो करिए, लेकिन जो कॉइन है वो हमेशा एक या तो हेड शो करेगा या तो टेल शो करेगा। ये डबल एच, ये HT, ये TH और TT, ये कैसे आउटकम्स है? अब आगे डीपर पॉइंट्स में, भाई HS थोड़ी आएगा, HT थोड़ी आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट ये इसका ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम जब कॉइन को 2 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो जब पहली बार टॉस किया तो वो हेड शो किया और दूसरी बार शो किया तो फिर हेड शो किया। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो थ्रो किया वो हेड और दूसरी टाइम शो किया वो हेड, फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो हेड, दूसरे टाइम शो किया तो टी। ये ऐसे इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? अच्छा, ये बात क्लियर होगी। तो ये आउटकम्स HH, HT, TH और TT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इंटरसेक्शन एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच इंटरसेक्शन टी। अब जैसे मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट जो बहुत आगे में है उसका भी कॉन्सेप्ट आ गया, करेक्ट है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। तो अभी मैं एच इंटरसेक्शन एच से ये समझ में आ रहा है कि एक कॉइन को 2 बार मैंने टॉस किया है, तो एक बार हेड आया फर्स्ट टाइम पे और दूसरे टाइम पे भी हेड आया, ये बात कर रहा है। उसी को हम एच एच बोलते हैं या एच इंटरसेक्शन एच भी बोलते हैं, ठीक है? सब ट्री डायग्राम भी बना लिया। तो टोटल आउटकम सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एच एच हो जाएगा, एच टी हो जाएगा, टी एच हो जाएगा और टी टी हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, और अब हम आते हैं टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स या थ्रोइंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली। अब इसमें भी आपको ट्री डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। तो ट्री डायग्राम अब आगे बढ़ जाएगा। आगे कैसे बढ़ेगा? पहली बार कॉइन को थ्रो करोगे तो एच और टी आएगा, फिर दूसरी बार थ्रो करोगे तो ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे, और फिर अब यहाँ पे एच एच, फिर एच 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 टी, यहाँ पे और एच टी एच एच टी टी, यहाँ ऐसे टी एच एच टी एच टी, यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा टी टी एच और टी टी टी। तो अब आप देखेंगे टोटल यहाँ पे 8 आउटकम्स आ रहे हैं, करेक्ट? इसको हम ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो अब 3 कॉइन्स हो चाहे 4 कॉइन्स हो, ऐसे ही चलते जाएगा। तो इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच और फिर एच टी टी, ठीक है? और फिर एच टी टी के बाद टी एच एच, फिर आएगा टी एच टी, फिर आएगा टी टी एच और फिर आएगा ट्रिपल टी। तो ये ऐसे टोटल 8 आउटकम्स होंगे जब एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं या 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं, तो टोटल आउटकम्स होते हैं 8। कितने आउटकम्स होते हैं? 8 आउटकम्स। गॉट द पॉइंट्स? तो ऐसे अगर मान लीजिए 4 आउटकम्स, 4 कॉइन्स को थ्रो करूंगा तो टोटल आउटकम्स आप आइडिया लगा सकते हैं। बोलिए, अगर एक कॉइन को मैंने 4 टाइम्स थ्रो किया तो कितना हो जाएगा? पता चल जाएगा आपको, टोटल 16 आउटकम्स। हाँ, तो कितने आउटकम्स हो गए? अगर एक कॉइन को 4 टाइम्स थ्रो किया तो 16 आउटकम्स होंगे, क्लियर है? ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ट्री डायग्राम बोलते हैं इसको हम। तो ट्री डायग्राम की सहायता से एक कॉइन को कितनी बार भी आप थ्रो करेंगे तो सारे आउटकम्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, जो आपको सेट थ्योरी में बताया था। अब आपने देखा है कि एक कॉइन को आपने 1 कॉइन थ्रो, टोटल आउटकम्स कितने हुए? 2 आउटकम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, 2 कॉइन्स या 1 कॉइन थ्रो 2 टाइम्स, टोटल आउटकम्स कितने हुए? 4। 1 कॉइन थ्रोस 3 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 8। अब आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं, ऑलरेडी मैंने सेट थ्योरी में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो PNC सेट थ्योरी इसीलिए बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में। तो अगर आप देखेंगे कि एक कॉइन को अगर 1 टाइम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स 2 है, 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स 4 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। सो टेल मी, इफ अ कॉइन, 1 कॉइन इज थ्रोन n टाइम्स, सो टोटल आउटकम्स विल बी 2 टू द पावर n, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 टू द पावर n। Now compare with the set theory. In set theory, you have seen that if the order of the set is n, then the total number of possible subsets is 2 to the power n. Correct? Total number of possible subsets. तो अब यहाँ पे
सबसेट्स को देखो, सिंगलटन भी होते थे, एम्प्टी भी होता था, पेयर्ड भी होते थे, सेट्स कंटेनिंग थ्री। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी उसी हिसाब से बात करेंगे। हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट्स एम्प्टी हो जाएगा, सिंगलटन इवेंट्स हो जाएंगे, और वो जो पेयर्ड के बाद, पेयर्ड और पेयर्ड के बाद वाले जो इवेंट्स है ना, वो कंपाउंड इवेंट्स कहलाएंगे। इस प्रकार से आपके इवेंट्स यहाँ पे बनेंगे। तो ये रिलेशन है सेट थ्योरी का, करेक्ट है, गॉट द पॉइंट। सिंगलटन वाले इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं, जो हमने 10th क्लास में पढ़ी है, और सिंपल प्रोबेबिलिटी होती है क्लासिकल अप्रोच में। लेकिन अब हम कंपाउंड इवेंट्स की जो बात करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा कि वो जो सेट्स होंगे ना, जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो वो ऐसे इवेंट्स जो कंपाउंड इवेंट्स होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी कि एक कॉइन को अगर एन टाइम्स थ्रो करते हैं, तो टोटल आउटकम्स 2 to the power n होता है। अच्छा सर, इसके बाद में आते हैं डाई के प्रॉब्लम में। डाई के प्रॉब्लम में ये तो सिंपल, एक डाई को थ्रो किया तो आउटकम्स ये हो गए। अगर एक डाई को मैंने 2 times थ्रो किया तो आउटकम्स क्या होंगे, उसके आउटकम्स होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर होएगा 2 से स्टार्ट करो, 2 1 2 2 लाइक दैट, 2 3 2 6 ऐसे ही चलते जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये टोटल आउटकम्स हो गए, या सैंपल स्पेस में इतने एलिमेंट्स हो गए, अगर एक कॉइन्स, एक डाई को हमने 2 times थ्रो किया, या दो डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन, कैन यू टेल मी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन 3 times। ये तो 36 कैसे आया होगा, 6 into 6। सो देयरफॉर इफ अ डाई इज थ्रोन 3 times, इफ अ डाई इज थ्रोन 3 times, द आउटकम्स विल बी 6 into 6, दैट विल बी 216। एंड सिमिलरली इफ अ डाई इज थ्रोन एन टाइम्स, द आउटकम्स विल बी 6 to the power n। प्लीज नोट इट, a die is thrown n times, the total number of outcomes will be 6 to the power n, because 2 times 6 to the power 2, 3 times 6 to the power 3 and n times, because of that the total number of outcomes will be 6 to the power n. Got the point? So this is about the throwing a die. Achcha sab, तो आपने अभी तक के जितने भी सैंपल स्पेस देखे हैं ना, वो सारे के सारे सैंपल स्पेस इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस थे। अब कुछ हम ऐसे भी सैंपल स्पेस देख लेते हैं जहाँ पे आपको इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस नहीं मिलेंगे। तो पहला, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है अ कॉइन इज टॉस्ड and a die is thrown. अब आउटकम्स कैसे निकलेंगे, देखो कॉइन इज टॉस्ड, तो उसके तो आउटकम्स एच और टी होंगे, और उसके बाद में अ डाई इज थ्रोन, तो एच वन एच टू एच थ्री एच फोर, ये थ्री सफिक्स में नहीं है, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स, फिर आएगा T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ये ऐसे टोटल आउटकम्स बनेंगे, 12 आउटकम्स आएंगे इस सैंपल स्पेस में। क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं एंड डाई इज थ्रो, मतलब एक साथ हम एक कॉइन और डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ कोई इश्यू नहीं है, ये टोटल आउटकम्स 12 है और ये इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस है, यहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाते हैं, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको लिखना, एक्सपेरिमेंट इज अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड अ कॉइन इज टॉस्ड अगेन। Coin is tossed again. It shows head, a coin is tossed again. Else a die is thrown.
ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब आप देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है, कॉइन इज टॉस्ड, अगर इसने इफ इट शोज हेड, अगर हेड शोज करेगा तो फिर से कॉइन को टॉस कर देंगे, अगर हेड नहीं शो किया मतलब टेल शो किया, टेल शो किया तो हम क्या करेंगे, डाई को थ्रो कर देंगे। तो अब सैंपल स्पेस जो बनेगा, देखिए हेड शो किया तो वापस कॉइन को थ्रो कर देंगे, तो वापस कॉइन को थ्रो करेंगे तो एच एच और एच टी हो सकता है, करेक्ट है कि नहीं, एच एच भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एच टी भी हो सकता है, ये चीज। लेकिन अगर उसने हेड शो नहीं किया और टेल शो किया, टेल शो किया तो अब क्या करेंगे, आपने डाई को थ्रो किया मतलब टी वन आएगा, टी टू आएगा, टी थ्री आएगा, टी फोर आएगा, टी फाइव आएगा और टी सिक्स आएगा। अब आ गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये यहां से यहां तक के ये इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है, इक्वली लाइकली, और यहां से लेके यहां तक के भी इक्वली लाइकली इवेंट्स है। लेकिन यहां से लेके यहां तक की अगर बात करें तो सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, मतलब ये इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस नहीं है, नॉट इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस। क्योंकि एच एच की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, जो हमारा एक कॉइन को दो बार टॉस करने का टोटल आउटकम्स 4 होते हैं, तो एच एच की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, एच टी की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, और ये टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकलेगी जो 1/12 होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी तो 1/4 है, ये प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी 1/12 है, ये सब 1/12 है, 1/12, 1/12, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। अब देखो ये सैंपल स्पेस में अगर आप देख रहे, नहीं देख रहे ठीक है, यहाँ देख लेते, ये है 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, लाइक दैट, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, और ये दो इवेंट्स ऐसे इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ये इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का तो वो फेल हो जाएगा, यहाँ हमको एक्सियोमेटिक अप्रोच को लगाना पड़ेगा, करेक्ट है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो देखिए ये सैंपल स्पेस कैसे बना, कॉइन इज टॉस एंड डाई इज थ्रोन, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज होगी, टोटल आउटकम्स इतने होंगे और इस प्रकार का सैंपल स्पेस होगा, और ये अ कॉइन इज टॉस इफ इट शोज हेड, अ कॉइन इज टॉस अगेन, तो हेड शो कर दिया तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज एच एच और एच की, टी शो कर दिया तो डाई को थ्रो करेंगे, तो टी का कॉम्बिनेशन डाई के जो आउटकम्स है उसके साथ में बनेंगे, तो ये सैंपल स्पेस इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमने क्या किया, सैंपल स्पेस देखा कॉइन्स के, एक टाइम थ्रो कर रहे, टू टाइम्स थ्रो कर रहे, थ्री टाइम्स थ्रो कर रहे, या फोर टाइम्स या एन टाइम्स, फिर वैसे ही हमने डाइस के सैंपल स्पेस देखिए, वन टाइम्स थ्रो कर रहे, टू टाइम्स थ्रो कर रहे या एन टाइम्स थ्रो कर रहे, फिर हमने सैंपल स्पेस इसके भी देखे कि ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे इस प्रकार के रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे जहाँ कॉइन को भी टॉस किया जा रहा है, डाई को भी टॉस किया जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन लगी रहेगी कि कॉइन इज टॉस इफ इट शोज हेड, देन कॉइन इज टॉस अगेन, अदरवाइज वी विल थ्रो द डाई। सो हाउ टू मेक द सैंपल स्पेस इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने सैंपल स्पेस सही तरीके से बना लिया तो आपका आधा काम तो कम्प्लीटली हो गया, और खास करके देरी के प्रॉब्लम्स में सैंपल स्पेस आपको ऐसे मिलेंगे जो एनएथ लेवल पे भी जाएंगे, जो बिल्कुल नए होंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नए से एक्सपेरिमेंट आपको वहाँ दिखाई देंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी आप बुक्स में देखते हैं ऐसा जरूरी नहीं है वही मिले, और ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट बन जाएंगे जिससे कि आपको सैंपल स्पेस पहले बनाने में प्रॉब्लम हो जाए। अगर सैंपल स्पेस बना लिया तो आपको ये समझ में नहीं आया कि वो इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस है कि नहीं है, तो नहीं तो आप क्या करेंगे, इक्वी प्रोबेबल के हिसाब से नहीं कर देते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 कर देंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 नहीं है माई डियर स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट अ इक्वी प्रोबेबल सैंपल स्पेस, प्लीज माइंड इट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैंपल स्पेस, आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टैंड what is exactly the probability meaning, the experiment and random experiment, and what are the different types of sample space, equiprobable sample space, discrete sample space, and of course countably infinite sample space. Got the points? Okay, thank you.